सब्सक्राइब करें एसएस कोचिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग में। मैं हूं राहुल सिंह और आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हम आपके लिए लेकर आए जीके की सीरीज 7 लेकर आए हैं और जिसमें हम ऑल अदर एग्जाम्स की बात करेंगे, जिसमें हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। तो और यहाँ पर हमारी दोस्तों जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहते हैं, तो उसे जानने के लिए और हमारी जितनी भी बैड एविल हिस्ट्रीज की वीडियो है और मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो हम पढ़ाकर ख़त्म कर चुके हैं और हमारी पॉलिटी के लेक्चर भी चल रहे हैं और मैथ्स के भी, तो उनको देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। पहले क्वेश्चन थे यहाँ पर, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी टू ईयर, तो वो जो जितने भी हमारे रिजॉल्व होते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल में इलेक्टेड होते हैं। जब ये 1/3 मेंबर दोबारा से रिजॉल्व हो जाते हैं राज्यसभा में, तो 1/3 मेंबर दोबारा चुनकर राज्यसभा में आते हैं और ये राज्यसभा जो है हमारी, इसका टाइम पीरियड होता है हमारा 6 साल का और ये हमारी उच्च सदन होती है क्योंकि ये भंग नहीं होती, और जो हमारी लोकसभा होती है उसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अब आगे। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बीहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो बीहू जो हमारा डांस है वो असम का है। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको डांस से भी देखने को मिल सकते हैं, एज इट इज़ ये बीहू ना होके तो आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा कथकली किस स्टेट का डांस है और जो हमारा कथक है वो किस स्टेट का डांस है, तो जो हमारा कथक के लिए वो केरला का है और जो हमारा कथक है वो उत्तर प्रदेश का, और एक ऐसे ही क्वेश्चन मोहिनीअट्टम किस स्टेट का डांस है वो हमारा केरला का है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, जो हमारा ब्रह्म समाज फाउंड किया गया 1828 में किसके द्वारा, राजा राममोहन रॉय द्वारा। ये पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी सोशल रिफॉर्म्स के लिए लेकर आवाज़ उठाई वुमेंस के लिए, और जितने भी हमारे हिंदू धर्म में जितने भी प्रथाएं थी उनको बैन करवाने में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। तो फिर जैसे यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने, फिर उसके बाद में जो हमारा सोशल मूवमेंट आएगा रिलीजियस का, तो उसमें आदि ब्रह्म समाज की और दयानंद सरस्वती हमारे फाउंड करेंगे उसको, आर्य समाज को। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ अंकटाड, इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, तो ये अंकटाड जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है हमारा, जिनेवा में। और ये जो हमारा अंकटाड है एक रिपोर्ट और जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट जारी करता है, तो ऐसे ही रिपोर्ट से लेकर भी हमने अपनी जो हमारे FB पेज है और जो हमारे ग्रुप्स में सभी डिटेल दी है, तो उसको भी अच्छे से जानने के लिए आप हमारे FB पेज को फॉलो या हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वहाँ पर हमने अपनी सारी लिस्ट दी है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है दोस्तों, तो जाना हमने अंकटाड के बारे में, आगे चलेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम इन्वेंट किया वो स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने किया। और जो हमारा दोस्तों स्टैंडर्ड टाइम है ये कुछ इस तरीके से आता है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम वो एक ही पड़ता है, बहुत सी घंटे जो हमें, जैसे हमारी रशिया है तो उसमें उसके खुद के 11 स्टैंडर्ड टाइम है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम से, तो उसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है उसके। और जो हमारा 0 ग्रीनविच टाइम पड़ता है वो इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा कि यूनिवर्सल स्टैंड टाइम किसने इन्वेंट किया था, और जो हमारे अलग अलग जगह पे हमारे स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं बाउंड्रीज बड़ी होने के
अकॉर्डिंग जितने भी हमारे स्टेट की बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग हमारे टाइम भी बदलते रहते हैं। तो हमारा जो टाइमिंग है ग्रीनिश टाइम से हम कितना आ गए, 5.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम 6th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय वाटर पॉल्यूशन, जो हमारी वाटर पॉल्यूशन से नहीं होती है बीमारी, वो होती है हमारी अस्थमा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि जैसे हमारी वाटर पॉल्यूशन से कौन सी कॉज बीमारी नहीं होती, अस्थमा हो गया, बवासीर हो गई, और जैसे हमारी और भी 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा। तो हमारा अस्थमा से, वाटर पॉल्यूशन से हमारा अस्थमा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे हम दोस्तों 7th क्वेश्चन की तरफ। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो हमारे एक मानव के विकास की वो है थ्योरी, वो किसने दी, हमारी डार्विन की थ्योरी, जिसमें हमारा जीने से लेके मरने तक का सब थ्योरी को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी, हमारे चार्ल्स डार्विन ने। तो ये डार्विन की थ्योरी आप पढ़ भी सकते हैं नेट पर जाकर, ये क्या थी इस थ्योरी पूरी आप डीप में। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ फंगी इज ऑल्सो नोन एज, तो हमारी जो फंगी को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें अलग से स्टडी होती है, तो माइकोलॉजी में के नाम से भी जाना जाता है हमारी फंगी की स्टडी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ओवरऑल हमने सारी चीज़ों की बात की है, और सभी मिक्स एंड मैच हमने क्वेश्चन लिया है इसमें, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो हमारा, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, चाहे हमारा इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो ऑल क्वेश्चन आर मिक्स होते हैं हमारे जो 25 GK की सीरीज हम लेकर आते हैं। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम पे। फिर आप ये ना कहें कि ये तो हमारा क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आया नहीं, तो हम आपको बस बताना चाहते हैं कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन और ऐसी चीज़ों पर आप फोकस रखें अपने। तो आगे चलेंगे हम 9th क्वेश्चन की तरफ। पल्स आर अ रिच सोर्सेस ऑफ, जो हमारी पल्स है वो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है हमारी दाल में। तो ऐसे ही जो हमारे पल्स हो गया, जैसे हमारे चने हो गए, तो ऐसे ही हमारे जिसमें ज़्यादा हमारे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, तो ऐसे ही सरकार उनको ही रिकमेंड करती है ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा कैलोरीज और हमारे प्रोटीन होते हैं, इसलिए हमारी गरीबी नहीं नापी जाती, इंडिया गरीब देश नहीं है इसलिए जल्दी से। तो इसमें जो हमारे रिच सोर्सेज, जो हमारे प्रोटीन एक व्यक्ति को मिलने चाहिए, वो अब भी प्रॉपर मिलते हैं। तो आगे हम उसकी भी बात करेंगे, अभी एक क्वेश्चन हमने उससे भी लिया है पॉवर्टी से लेकर, तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर है। तो आगे चलेंगे हम 10th क्वेश्चन पे। वेयर इज द इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी लोकेटेड इन इंडिया, जहाँ पर हमारा जो वाइल्ड एज सेंचुरी है वो हमारी गुजरात में। तो ये सेंचुरी हमारी क्यों बनाई गई, जैसे कि हमारे कोई भी एनिमल्स है तो उनका विलुप्त ना हो जाए, तो इस वजह से उनको प्रोटेक्ट भी करना होता है, उनको रिजर्व भी करना होता है, तो यही सेंचुरी उनको अलग से एक एरिया बनाकर वहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे ही हमारा गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, जहाँ पर शेर को रखा जाए, शेरों का संरक्षण होता है वहाँ पर, और ऐसे हमारा जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये सब नेशनल पार्क भी आपको याद कर लेने हैं कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है। तो आगे चलेंगे हम 11th क्वेश्चन पे। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, हु वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द वन टू प्रेजेंट दिस थ्योरी, जो हमारी पहली बार थ्योरी दी गई, जो हमारा पृथ्वी है किसके चारों तरफ घूमती है, वो हमारे सन के चारों तरफ घूमती है, किसने थ्योरी दी थी दोस्तों, कोपर निकस ने। नहीं तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो पहले मानते थे जो हमारा अर्थ है, जो हमारा सन है वो अर्थ के चक्कर काटता है, तो फिर बाद में इस थ्योरी को गलत साबित किया गया। फिर ये थ्योरी बाद में हमारी कोपरनिकस ने दी कि अर्थ हमारा सन के अराउंड घूमता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम 12th क्वेश्चन पे अब। तो यहाँ पर हम दोस्तों 12th क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 TB, तो ये हमारी 1024 1024, तो यहाँ पर हमारी 1 TB निकल कर आ जाएगी, हमारी कितने के इक्वल होती है। तो 1 बिट्स जो होती है हमारी वो 8 बाइट्स
के बराबर होती है, और जो हमारी 1 KB होती है वो हमारी 1024 बाइट्स होते हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जान लिया किसके बराबर होती है हमारी मेगा बाइट्स, इक्वल टू 1 TB। तो आगे चलेंगे हम 13 क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया, ये सी का जो रूट डिस्कवर्ड किया था वो हमारा किया गया था किसने, हमारा वास्को डिगामा ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये वास्को डिगामा व्यापार के चक्कर में ही हमारे सी रूट को खोजने में आए थे, जब हमारे उस टाइम पे जो हमारे व्यापारिक स्थल थे यूरोप में वो हमारे इटली थे, तो वहाँ से व्यापार पर कब्जा उन्होंने किया हुआ था। तो ये अपना आसान रास्ता ढूंढने की वजह से ही इंडिया का सी रूट खोजा गया। और इनसे पहले आने वाले कौन थे, हमारे कोलंबस, जो सी रूट जो हमारा इंडिया का था उसको खोज नहीं पाए थे, तो इसलिए वो अमेरिका पहुंच गए, तो अमेरिका की खोज कर दी उन्होंने। और यही सब चीज़ों की जानकारी हम अपने वीडियोस में भी बताई मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें हमने पहला लेक्चर लिया है यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, और जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्म्स की वीडियो है वो भी हमने डाली हुई है अपनी मॉडर्न हिस्ट्रीज के लेक्चर में। जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने की थी, तो यह सब चीज़ों की जानकारी भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। जितने भी हमने क्वेश्चन लिए बहुत सी वीडियो हमने उनके ऊपर बनाई हुई है, तो उनको भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल में जाकर। तो आगे चलेंगे हम 14 क्वेश्चन की तरफ। मलयालम इज़ प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट, जो हमारी मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है वो किस स्टेट में बोली जाती है, वो हमारी बोली जाती है केरला में। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे हमारी मराठी लैंग्वेज है वो किस स्टेट में किसकी है, वो हमारी है दादर नागर हवेली की। तो जो हमारी मेनली जो बोली जाती है वो हमारी महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलेंगे 15 क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, कैपिटल है जो हमारी नॉर्वे की है वो है ओस्लो। तो जैसे कि हमने बताया था कि आपको आपको कैपिटल भी याद करनी है, जहाँ जहाँ पर हमारी समिट्स होती है, तो वो जहाँ पर हमारी समिट्स होती है वो उनकी कैपिटल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए आ जाती है कैपिटल। जैसे कि हमारी नॉर्वे के बराबर में क्या पड़ता है हमारा स्वीडन, तो स्वीडन की जो कैपिटल है हमारी स्टॉकहोम है, और जो हमारी फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। तो हमने ये कैपिटल इसलिए ली क्योंकि ये तीनों कंट्री आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इसे हम कुछ बाल्कन कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलेंगे अब 16 क्वेश्चन पे। इन विच सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज इट गोल्स, जो हमारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो किस अधिवेशन में रखा, वो हमारा लाहौर अधिवेशन में रखा था, और यही हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे लागू हुआ जिस दिन, तो ये इसी सेशन के दौरान ही हमारा 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। तो यही डेट इसलिए चुनी गई थी इन्होंने, पूर्ण स्वराज में इन्होंने लक्ष्य रखा था अपना, और जो इनका स्वराज लक्ष्य रखा गया वो हमारा मुस्लिम लीग के गठन के बाद रखा गया 1906 में। तो इन चीज़ों को भी हमने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी वीडियोस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमने 3 पार्ट बनाए हुए हैं, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सभी की जानकारी प्रॉपर जानकारी हमने दी है उन वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलेंगे हम 17 क्वेश्चन पे। नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जो हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई गई वो रैमसी मैकडोनाल्ड ने, और यही जो हमारे मैकडोनाल्ड थे यही हमारे कॉमनवेल्थ अवार्ड के जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में। और जो हमारे कॉमनवेल्थ अवार्ड के जनक थे वो हमारे लॉर्ड मिंटो थे, तो ये चीज़ भी हमने आपके उसमें बताई है मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट में, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी ये फर्स्ट
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी हमारी, 1930 में। तो जो हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्ट नहीं लेती है, लेकिन 1931 में जब ये पार्ट लेती है तो उसमें गांधी जी कुछ अपने मुद्दे रखते हैं, तो उनको एक्सेप्ट ना करने के बाद ये दोबारा उसका बहिष्कार करते हैं 1932 पे। तो ये हमारी जो डेट है, ईयर है, वो 1930 में हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 1931 में हमारी सेकंड, और 1932 में हमारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई है। अब आगे चलेंगे हम 18 क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिस्कवर द ट्रेस ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो जनक थे वो कौन थे हमारे? दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है हड़प्पा। फिर उसके बाद में हमारी मोहनजोदड़ो है, उसके जो जनक थे, डिस्कवर जिसने की, वो थे हमारे राखल दास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी हमने जान ली कि दो हमारी जो मेन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा और हमारी मोहनजोदड़ो, तो उनके जनक कौन थे। तो आगे चलेंगे हम अब 19 क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज लॉन्च इन द ईयर? जो हमारा पहली बार प्रपोजल रखा गया 5 ईयर प्लान का, वो रखा गया हमारा 1951 में हमारी लॉन्च की गई 5 ईयर स्कीम। तो हमारा जो पहला स्कीम जो रखी गई, इसमें हमारा क्या एम था? हमारे प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाना, जिसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता हमारा खेती। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कोई और विचार नहीं था खेती के अलावा, जिससे हम अपनी खेती करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते रहे धीरे धीरे। तो यही हमारा तीन जो हमारे प्लान आए, तो हर ये 5 साल में प्लान आते रहे, इसलिए इसको 5 ईयर प्लान कहते रहे हम। तो तीन प्लान जो आए हमारे 1956 के बाद में, तो उसमें भी हमने प्राइमरी को ही अपना रखा। बाद में हमारे लक्ष्य बदलते रहे धीरे धीरे जैसे हम ग्रोथ करते गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे हम 20 क्वेश्चन पे। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ? जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर चार पॉइंट होते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें हमारी बाउंड्री सीमा ख़त्म होती है। तो हमारा नॉर्थ में हमारा कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और जो हमारा वेस्ट में पड़ता है वो हमारा गौर माता, जो कि हमारा गुजरात में, और हमारा लास्ट जो पड़ता है ईस्ट में वो कीबिकू है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसमें हमारी बाउंड्री ख़त्म होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। अब आगे चलेंगे हम 21 क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे नेसेसरी बिफोर अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर अ इंडियन सिटीजनशिप? तो दोस्तों, जो हम बता रहे हैं आपको, जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए आपको नॉर्मली 5 ईयर रहना पड़ेगा इंडिया में, तब जाके आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप में दो चीज़ें आती है, एक तो नेचुरलाइजेशन, या आपके फादर या पिता में से कोई इंडिया में जन्मा हो तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया के सिटीजन होंगे। तो यहाँ पर सिटीजन को जो हमारे कुछ फैसिलिटी अलग से मिलती है, तो उसमें नॉर्मली आपको 5 साल पहले रहना होगा इंडिया में, तभी आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस? जो हमारी आर्थिक गरीबी है वो क्या है? गरीबी क्या है एक्चुअली? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी इज द टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलरीज रिक्वायरमेंट। तो हमने अभी बताया था कि जैसे हमारा प्रोटीन किस में है, जो हमारे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो हमारा दाल से, चने, सोयाबीन। तो इसलिए जो पॉवर्टी है हमारी, इसलिए नहीं दर्शाई जाती कि इतना भी गरीब देश नहीं है भारत। तो इसमें जितनी भी हमारी कैलरीज की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में, तो वो चीज़ अगर जो हमें मिल जाए तो लोग भुखमरी से नहीं मरेंगे। तो जब तक आपको पूरी कैलरीज की रिक्वायरमेंट, जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो मिल जानी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे अब आप 23rd क्वेश्चन पे। 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज इन, जो हमारी आज 70% आबादी है वो किस में लगे हुई है आज भी, हमारी प्राइमरी सेक्टर में जो हमारी खेती की तरफ है, और जो हमारी 30% आबादी है वो हमारी कहाँ पर रहती है, सिटीज़ वगैरह में, और जो हमारी 70% आबादी है वो रहती है आज भी गांव में। तो इसलिए हमारी आज भी जो खेती में बिजी है हमारी आधे से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में बिजी है, और जो हमारा 30% है जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल होते हैं, चाहे उसमें फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो हमारा टर्शरी सेक्टर, तो इन दो सेक्टर में अलग से लगे हुए हैं जितने भी हमारे सिटीज़ के लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे आगे 24th क्वेश्चन पे। इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स। तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये इसको बदल दिया गया, इसका नाम बदल के अब हमारा रखा गया नीति आयोग। तो जो हमारे इसके चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये हमारा कब बदला गया, हमारा 2015 में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 2015 में इसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी पूरी डिटेल जान सकते हैं प्लानिंग कमीशन के, यही प्लानिंग कमीशन ही हमारा 5 ईयर प्लान डिस्कस करता है और बनाता था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलेंगे आप अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 25th क्वेश्चन पे। बैटल ऑफ ताइरान वॉज फाउट इन द ईयर ऑफ, जो हमारा बैटल ऑफ ताइरान हुआ था वो हुआ था हमारा 1191 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 25 जीके की सीरीज का 7 पार्ट ख़त्म कर दिया, और ये जो बैटल ऑफ ताइरान जो हुई किसके बीच में, हमारा पृथ्वीराज चौहान और हमारे मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी हमारा। और जो हमारा पोर्शन कवर होता है ये मेडिवल हिस्ट्री में हमारा कवर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑल क्वेश्चन हमने अपने मिक्स लिए हैं, जिसमें आपको सिमिलर क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिले, चाहे वो हमारा SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, और हमारे रेलवे के एग्ज़ाम हो, जितने भी ऑल अदर एग्ज़ाम्स हो, तो सब में हमारे जीके के फैक्ट सेम ही रहते हैं, कुछ बदलते नहीं हैं। तो दोस्तों हम अपनी यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।